आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सर्दियों में खाई जाने वाली एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। जी हाँ, आज हम इसे सिर्फ दो ही चीज़ों से बनाएंगे, मूंगफली और गुड़ से। ये बनने वाली चिक्की बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार लगती है, बनाना बेहद आसान है। इसे आप 10 से 15 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। आज इसे हम परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ बनाएंगे। नमस्कार, मैं करुणा और आपका स्वागत है मेरे चैनल माँ की रसोई विद करुणा पर। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं। इसके लिए मैंने ये देखिए एक कप मूंगफली ली है, जिसे मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था और उसके बाद मैंने इसके छिलके निकाल लिए हैं और इसे मैंने हल्का सा दो टुकड़ों में तोड़ लिया है। ये देखिए, हम मेज़र कर लेते हैं। ये हमने एक कप रोस्टेड मूंगफली ली है और जिस नाप से हमने ये मूंगफली ली है उसी नाप से हम ये गुड़ लेंगे। तो यानी एक कप गुड़ है, वेट में देखें तो 100 ग्राम मूंगफली और 100 ग्राम हमारा गुड़ है। तो चलिए अब इसकी चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनाने के लिए हमने ये एक टेबल स्पून घी लिया है, ये शुद्ध घी है, और इसे हम थोड़ा सा मेल्ट कर लेंगे। घी मेल्ट हो गया है और अब हम इसमें ये गुड़ डाल देंगे। इसको मैंने बारीक बारीक तोड़ लिया था गुड़ को, और अब हम गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे और इस गुड़ को हमें मेल्ट करना है और कंटिन्यू उसको चलाते रहेंगे। जब गुड़ मेल्ट हो जाएगा, ये देखिए अच्छे से हमें इसे चलाते रहना है, धीरे 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 ये इस तरह से मेल्ट हो जाएगा, इसकी चाशनी बनना शुरू हो जाएगी। मैंने इसमें पानी का यूज़ नहीं किया है। ये देखिए अच्छे से ये गुड़ हमारा पक गया है और अब हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा। ये हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, 1/4 चम्मच डालना है, 1/4 चम्मच। और मैं इसमें डाल रही हूँ फ्लेवर के इलायची पाउडर, ये भी मैंने 1/4 चम्मच लिया है, और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को अभी हम लो ही रखेंगे, बंद नहीं करेंगे, और इसको देखिए जल्दी से मिक्स कर लेंगे तो ये गुड़ हमारा अच्छा सा फ्लफी हो जाएगा और एक इसका जो कलर है ये भी लाइट हो जाएगा एकदम से। तो ये देखिए हमारा चाशनी अच्छे से गुड़ की तैयार है और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें ऐड कर देंगे ये मूंगफलियाँ। मूंगफली को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे। अभी हमारी कढ़ाई गर्म है और इसमें अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे ताकि सारी मूंगफलियों पे गुड़ की कोटिंग हो जाए। और ये देखिए अच्छे से चाशनी इस पे गुड़ की चढ़ गई है मूंगफलियों पे। और अब हम इसको एक, आप चाहे प्लेटफॉर्म ले लीजिए, चाहे ये हमने ये चॉपिंग बोर्ड लिया है, मैंने इस पर घी लगा लिया था पहले से ही, और अब हम इसमें इस पर ये ट्रांसफ़र कर देंगे अच्छे से। और ये थोड़ा सा घी और ले लेंगे और थोड़ा सा हाथ पे लगाते हुए इसको अच्छे से हम इकट्ठा कर लेंगे। ये अभी थोड़ा सा गर्म है इसलिए थोड़ा ध्यान से करिए, जितना आपका हाथ सह सके बस उतना इसको हम अच्छे से गोल कर लेते हैं। देखिए चारों तरफ मैंने घी लगा के इसको हाथों से अच्छा फैला लिया है, जितना आप फैला सकें हाथ से उतना फैला लें। और अब हम एक बेलन लेंगे और उस पर भी अच्छे से घी लगा देंगे और इसको अच्छे से हम बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा मोटा या बहुत ज़्यादा पतला ना करें, बस एक अच्छी सी इसकी बेल लेना है हमें इसे इस तरीके से। देखिए कितना बढ़िया बेल रहा है और बहुत ही अच्छी सी हमारी ये चिक्की बनकर तैयार होगी। ये मैंने इसको अच्छी तरह से बेल लिया है और अब हम इस पे इसी समय ये थोड़े से कटे हुए पिस्ते डाल देंगे, इससे बहुत बढ़िया सा लगता है, गार्निशिंग हो जाती है अच्छी सी। और एक बार फिर बेल कर और इसमें हम कट्स लगा लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसमें ही कट लगा लिए थे इस तरह से, और देखिए कितना बढ़िया सा इनमें ये बनकर तैयार हुई है। और थोड़ा सा सूख गई है तो मैं इसको एक बार और चाकू की सहायता से कर लूँगी ताकि ये निकालने में आसान रहे। इस तरीके से हमने ये देखिए सारे एक बार फिर से उसको मैंने कट लगा दिया है और अब मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। देखिए कितनी बढ़िया और कितनी आसानी से निकल रही है, बहुत ही बढ़िया मार्केट जैसी बिल्कुल परफेक्ट जम के तैयार हुई है। ना इसको हमने ज़्यादा पतला रखा है और ना ही ज़्यादा मोटा रखा है, देखिए कितनी बढ़िया। और आपको मैं इसे तोड़ के भी दिखाती हूँ, देखिए, और आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं, ये बहुत ही कुरकुरी बनी है, बहुत ही बढ़िया, एकदम परफेक्ट। और ये देखिए मैं इसको आपको तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए इसकी आप आवाज़ सुन पा रहे होंगे कितनी शानदार बनी है।
और इस तरह से ये देखिए हमारी मूंगफली की चिक्की बनकर तैयार है। और इसके मैंने इस तरह से पीस काट लिए हैं। तो यदि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए ऐसी ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपीज़ के साथ मैं आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।